हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? व्हेन एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन टाइम इन स्ट्रक्चर। एलोट्रॉप्स हमारे एक से ज्यादा फॉर्म में बदल जाते हैं। जैसे हमारा ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में भी यूज होता है और हमारा इलेक्ट्रोड बनाने में भी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक से ज्यादा फॉर्म में बदल जाता है। कार्बन जो है उसके चार एलोट्रॉप्स होते हैं, कोल, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन्स। ग्रेफाइट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम डायमंड और फुलरेन्स। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड और फुलरेन से अलग होता है। इट हैज टू डायमेंशनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो टू डायमेंशनल होता है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल है और इसमें थ्री लेयर हैं, तो इसे हम सैंडविच टाइप भी बोलेंगे। पीछे देखा था, ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है इसके ईच कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिड होगा। ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल अरेंज्ड इन लेयर। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है? जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। हेक्सल का मतलब 6। ये देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 3 अदर कार्बन एटम। द फोर्थ बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस बिटवीन टू लेयर। कार्बन के चार एटम फ्री होते हैं, तीन उसके लिंक हो गए अदर कार्बन एटम से। लास्ट वाला जो फोर्थ वाला होगा वो हमारा वीक वंडरवॉल फोर्सेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगी वो होगी 0.142 नैनोमीटर इन लेंथ, और कार्बन कार्बन डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर जो होगी वो होगी 0.34 नैनोमीटर। ये देखिए, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो है 0.14 nm, और ये जो दो लेयर के बीच की डिस्टेंस है वो है 0.34 nm। ग्रेफाइट के दो टाइप होते हैं, पहला हमारा है अल्फा ग्रेफाइट, दूसरा हमारा है बीटा ग्रेफाइट। अल्फा ग्रेफाइट क्या होते हैं? लेयर आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ AB AB। हमारी जो पहली लेयर है उसमें AB का सीक्वेंस है, दूसरी में भी AB और तीसरी में भी AB का। बीटा ग्रेफाइट हमारे वो होते हैं जिनका अरेंजमेंट सीक्वेंस होता है ABC और ABC। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें तो ग्रे कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें जो होते हैं ग्रे कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वेरी सॉपी टू टच, ये छूने में बहुत ज्यादा चिकने होते हैं, और ये नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब इनमें आग नहीं लग सकती। दे आर सॉफ्ट ड्यू टू दी वंडरवॉल फोर्सेस। इन पे वीक वंडरवॉल फोर्सेस होता है तो ये सॉफ्ट इन नेचर के होते हैं। इनके यूजेस की बात करी जाए तो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं। सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स का मतलब जो हमारे ग्रीस वगैरह चैन वगैरह में लगते हैं उन्हें बोलते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, मेकिंग पेंसिल लीड जो मैं यूज कर रहा हूँ। फुलरेन्स, फुलरेन्स इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन C60। इसमें 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। विच इज पॉपुलर नोन एज बकमिंस्टर फुलरेन्स। बकमिंस्टर फुलरेन्स साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर फुलरेन्स डेवलप हुआ है। देयर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन हैविंग पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। पेंटा का मतलब 5 और हेक्सा का मतलब 6। द मॉलिक्यूल ऑफ आइसो सेरेडॉन, इसके 32 फेसेस होते हैं। आइसोसेरेडॉन के 32 फेसेस होते हैं जिसमें 12 हमारे पेंटागन्स होते हैं और 20 हमारे हेक्सागन्स होते हैं। आइसोसेरेडॉन का मतलब क्या होता है? सॉकर बॉल। सॉकर बॉल हमारे जैसे फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो कैसा होता है? स्पेरिकल, गोल होता है, और अंदर से कैसा होता है? खुखला होता है। अभी हमने पीछे देखा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, स्पेरिकल था, तो इसमें स्पेरिकल क्लस्टर ऑफ कार्बन के प्रेजेंट होंगे। द बैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय टू सिंगल बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्ड। इसमें दो सिंगल बॉन्ड होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा। प्रॉपर्टी ऑफ फुलरेन्स, फुलरेन्स इज ए ब्लैक पाउडरी मटेरियल। इसका जो ये जो होता है ये कैसा होता है? ब्लैक पाउडरी मटेरियल होता है। फुलरेन आर वेरी
टफ, ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं। इनकी एप्लीकेशन की बात करी जाए तो फुलिन आर यूज्ड इन मेकिंग सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर हमारे जो कंप्यूटर चिप में स्पीड का वर्किंग करते हैं इधर से उधर डेटा भेजने में, उस चीज में हमारे ये सुपर कंडक्टर की फॉर्म में यूज होता है। और अगर हम फुलरीन का नेक्स्ट यूज देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। थैंक यू गाइज, आज आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में। थैंक यू।